किसानों की आय दुगनी हो और लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाए, इसको लेकर के अब गति शक्ति कंटेनर्स की शुरुआत की जा रही है। और इसको लेकर के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, वो कंटेनर्स की फैक्ट्री में जी जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं सबका वो आयना कर रहे हैं। हम इस समय बस में हैं और आपको बता रहे हैं हरियाणा में हम इस समय मौजूद हैं और पाली के आसपास के इलाके में हैं। सर हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस समय इस यात्रा में, आप सोचिए ज़रा। सर ये बताइए सबसे पहले तो किस तरह से इसको बनाया जा रहा है और इससे क्या क्या बदलाव होने वाला है? देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, हमारे जो छोटे किसान, छोटे उद्यमी और छोटे व्यापारी, उनके लिए एक ऐसी सुगम व्यवस्था की जाए जिस व्यवस्था से अपना कम सामान होता है उस कम सामान को बड़े आराम से लोअर कॉस्ट पे और सेफली देश के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सके। इसी के लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। उसमें से अभी आपने देखा एक ऐसा छोटा बॉक्स है, गतिशक्ति बॉक्स, जिसमें टॉप लोडिंग है, ऊपर से लोडिंग हुई, यानी किसान अपना ज्वार, बाजरा, सरसों, धान, गेहूँ कुछ भी बड़े आराम से लोड कर सके और बड़े आराम से उसको अनलोड किया जा सके। इसी तरह से अभी आप थोड़ी देर बाद में देखेंगे 2.5 टन का छोटा बॉक्स। इस बॉक्स में, गतिशक्ति बॉक्स में, आप छोटे से फोर्कलिफ्ट से और एक छोटी सी पिकअप ट्रक, इस सुविधा से देश के किसी भी कोने में रेलवे के माध्यम से आप सामान को पहुँचा सकते हैं। तो लोगों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम होगी इससे। तो इसके लिए स्पेशल क्या ट्रेनें चलाई जाएंगी या जिस तरह से अभी फ्रेट कॉरिडोर का पूरा मूवमेंट हो रहा है तो उसी तरीके की कुछ स्पेशल ट्रेनें होंगी जो इसको लेके जाएंगी सामान को? बिल्कुल, इसके लिए एक स्पेशल तरह का वैगन डिज़ाइन किया जा रहा है। वही वैगन आज अभी अपन इंस्पेक्ट करेंगे, 2-3 महीने हो गए इसकी डिज़ाइन चल रही थी, आज उसकी डिज़ाइन को आज अपन देखेंगे और इस डिज़ाइन वाले वैगन को देश भर में चलाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत मायने रखती है, 30% से 45% तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इससे कितनी कॉस्ट कम हो पाएगी? सब्सटैंशियली कम होगी। अभी हम शुरुआत करेंगे कुछ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओडी पेयर जिसको हम कहते हैं, कुछ शहरों से कुछ दूसरे शहरों तक, कुछ गाँवों से कुछ दूसरे गाँवों तक शुरुआत करेंगे। 1000 मील की जर्नी है तो एक कदम पहला उठाना चाहिए, तो पहला कदम इनोवेशन, दूसरा कदम उसकी डिज़ाइन, तीसरा कदम उसके साथ का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करना, फिर चौथा कदम उसको सर्विस को, गतिशक्ति सर्विस को लॉन्च करना, लॉन्च करके कुछ एरियाज़ में टेस्ट करना, टेस्ट करके फिर उसको देश के कोने कोने में पहुंचाना। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप अपना किसानों से खासतौर पे कि आप अपना माल कहीं पर भी बेच दें, तो उनका डर ये था कि कहीं मूवमेंट करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होगी, आपको लगता है किसानों को फायदा होगा? सेफ भी रहेगा और कॉस्ट भी कम होगी। सेफ भी रहेगा, कॉस्ट भी कम होगी, तो कुछ मिला के ऐसे कंटेनर्स जो स्मार्ट कंटेनर्स माने जा सकते हैं, गति शक्ति कंटेनर्स, वो बनकर तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगती है खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। रेडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हरियाणा।